यूपी के जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में संपत्ति के विवाद में भाई की हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया द्वारा प्रेस वार्ता कर खुलासा किया गया। ये कल थाना मुगलपुरा क्षेत्र में बारसी नगर में एक व्यक्ति की हत्या हुई थी। चाकू के प्रहार से उसके ऊपर उसके सगे भाई के द्वारा बार किए गए थे, इसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। हमारी पुलिस की टीम ने तत्काल वह मौके पर जाके देखा और जो अभियुक्त इसमें मृतक परवेज का छोटा भाई जमशेद, उसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और इसने पूछताछ में बताया कि इनका जो मकान था जिसमें ये लोग रह रहे थे, इसके तीन अन्य भाई हैं, इसी मकान में उसकी माँ भी रहती है, तो ये जो परवेज मृतक था उससे इनका मकान में आपसी बंटवारे को लेके इनका झगड़ा चल रहा था और उसी को लेके कल इनमें कोई बात हुई। परिवार के अन्य लोग भी उसमें मौजूद थे और इसने गुस्से में आके अपने भाई पर कई बार प्रहार किया और जिसमें मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई थी। इसको गिरफ्तार किया गया है और जिस चाकू के द्वारा इसकी हत्या की गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। ये उसी अवस्था में जिसके कपड़ों पर भी उसका मृतक का ब्लड लगा हुआ था, तो वे सभी चीज़ें बरामद की गई हैं, इसकी गिरफ्तारी की गई है और जो भी इसमें शेष कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, सरेंडर किया, किस तरीके से गिरफ्तार? आरोपी द्वारा वहाँ से घटना के बाद थाने पर आके इनके द्वारा सरेंडर किया गया, उसके बाद इनसे पूछताछ की। कोई सिविल का भी बात न्यायालय में विचाराधीन है, दोनों भाई नहीं, अभी न्यायालय